बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ कमिश्नरेट के साउथ जोन की सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चुराने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में हुई कई दोपहिया वाहन चोरी के खुलासे में जुटी पुलिस टीम ने इस्कॉन मंदिर के पहले खाली पड़े प्लॉट से 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर झाड़ियों में छिपाकर रखे गए चोरी की 8 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 अभियुक्तों में सत्यम रावत उर्फ लाली, सनी गौतम, अभिषेक रावत, राज रावत पीजीआई थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि 5वां अभियुक्त अमित कुमार रावत मोहनलालगंज थाना क्षेत्र का निवासी है। 5 अभियुक्त लेबर क्लास के युवक हैं, जो अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपना शौक पूरा करने के लिए क्षेत्र के कैंसर अस्पताल एवं मेदांता अस्पताल सहित सरकारी संस्थानों के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों को चुराकर झाड़ियों में छुपा देते थे। बाद में मौका मिलते ही ग्राहक तहकर वहां से बाइक ले जाकर सस्ते में बेच देते थे तथा मिले पैसों को आपस में बांट लेते थे। मजे की बात तो यह है कि 5 शातिर वाहन चोरों का सुशांत गोल्फ सिटी थाने में लंबा आपराधिक इतिहास भी है। एसीपी गोसाईगंज किरण यादव के दिशा निर्देशन एवं सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। ये जो है सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में बाइक चोरों का एक गैंग का जो है के पर्दाफाश हुआ है, जो एसीपी गोसाईगंज के नेतृत्व में और थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें इन्होंने पकड़ा और इनसे जो है 8 बाइक बरामद किए गए हैं और 5 लोगों की जो है इन्होंने गिरफ्तारी किया है, जिसमें एक हैं सत्यम उर्फ लाली और सनी गौतम, अभिषेक रावत, राज रावत, अमित कुमार रावत। ये लोग मोटरसाइकिलों को जो है जहां सार्वजनिक स्थान से, जैसे अस्पताल है, मेदांता हुआ, कैंसर संस्थान हुआ या अन्य जहां पर बाइक ज़्यादा संख्या में खड़ी होती है, ये लोग जो है वहां से बाइक को चुराते हैं और अपने जाने पहचाने जगह पर जो है इसको छिपा देते और ये लोग चूँकि अभियान चला रहे थे और संपत्ति संबंधी अपराध पर जो है वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश था, उसी क्रम में ये जो है बाइक बरामद हुई।